हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने करियर ऑप्शन की नेक्स्ट सीरीज में हम लोग एग्रीकल्चर के ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एमबीबीएस के बाद, नीट के बाद जो नेक्स्ट मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है करियर ऑप्शन, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में लगता है। पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एग्रीकल्चर की फील्ड में अपना करियर बनाना है तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि आपको जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा वो ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR कंडक्ट करवाता है हर साल एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। AIEEE से कहते हैं, दैट मीन्स ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन 2020। हम लोग UG कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो हम लोग ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं, BSc, BCom, BA, इसे UG कोर्सेज कहा जाता है। और उसके बाद जो हम लोग परस्यू करते हैं उसे PG कोर्सेज कहते हैं। तो अभी हम लोग जो कुछ भी हमारा डिस्कशन रहेगा वो UG कोर्सेज के बारे में रहेगा। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हमें एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना है तो ICAR का फॉर्म हमें फिल करना रहता है। 2019 से NTA इसे कंडक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ ICAR, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप जानते हो, जो नीट भी कंडक्ट कर रहा है। इस साइट की डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम CBT है, जो ICAR का एग्जाम हम लोग देखेंगे वो CBT है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1st से 31st मार्च को, यानी कमिंग मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 25th अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1st जून है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो डेट ऑफ एग्जाम इन्होंने दिया 1st जून। 3rd of May को हम लोग नीट दे देंगे। इस बार हम लोग को पता है कि नीट के साथ एम्स भी हो रहा, यानी 3rd of May के बाद हम लोग खाली हैं पूरी तरीके से। अगर नीट में कुछ हम लोगों का गड़बड़ हो जाता तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पूरा 1 month का गैप है, और 1st of June को हम लोग ICAR का एग्जाम देंगे और रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा 15th जून को, और नीट का रिजल्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया 4th जून को आएगा। तो अगर नीट में कुछ गड़बड़ हो जाता तो हमारे पास एक ऑप्शन एग्रीकल्चर के फॉर्म में रहेगा, जिसका एग्जाम हम 1st जून को देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, जो नीट में हम लोग पढ़ते हैं वही सेम यहाँ पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना रहता है। कई बार बच्चे पूछते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो साइमल्टेनियसली इसके लिए भी आप प्रिपेयर करते चलो। NCERT बेस्ड इसमें भी पूछते हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रहता है। जो ICAR है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए रहता है, मतलब जो भी कॉलेजेस हैं, आप कॉलेज की लिस्ट देखोगे साइट में जाकर के, उन कॉलेजेस की 15% के लिए एडमिशन इसी ICAR से होता है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है, दैट मीन्स 2.5 आवर, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं, मतलब 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 बायो के, 50 × 3, यानी टोटल जो क्वेश्चंस, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 600 मार्क्स का टोटल पेपर होगा ये, और +4 −1, जो हम लोग नीट में देखते हैं +4 है और −1, वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है +4 −1 का। और टाइमिंग यहाँ पे लेकिन 2.5 आवर, वहाँ पे 180 क्वेश्चंस रहते हैं। एलिजिबिलिटी 10+2 साइंस में होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट हम लोग कई जगह कहते हैं, कई जगह 10+2 कह रहे हैं या 12th कह रहे हैं, ये आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, दैट मीन्स इधर इन दी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रीम और इन दी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो PCMB वाले होंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो केवल PCMB वाले कर सकते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो PCB वाले कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो PCM वाले कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा PCMB का है तो वो सारे कोर्सेज में अपीयर हो सकता है। बेसिकली ICAR जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा वो UG के 11 डिग्री प्रोग्राम है, टोटल 11 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपको अपीयर होना है। मैंने सारे तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे अपना परस्यू करते हैं ग्रेजुएशन, वो मैंने लिया है। जैसे आपको मालूम है सबसे ज़्यादा कॉमन है BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, इसी तरीके से BSc के और भी कुछ प्रोग्राम हैं। BTech की डिग्री भी आपको दे रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री में दे रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में दे रहे हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में दे रहे हैं, और BTech की डिग्री दे रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में। तो वो BTech की डिग्री भी आपको दे रहे हैं और BSc की भी डिग्री दे रहे हैं। BTech की डिग्री के लिए मैथ्स अगर है तो एडवांटेज है,
आप पीसीएम के वाया दे सकते हो या पीसीएमबी के वाया दे सकते हो। तो ये 11 डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप आईसीआर के एग्जाम में अपीयर हो गए तो जो इंडिया के बेस्ट एग्रीकल्चरल कॉलेज है, जैसे सबको मालूम है आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली पूसा रोड, या एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल पंतनगर है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, और अगर रायपुर में अपने हम देखेंगे तो रायपुर में जो एग्रीकल्चरल कॉलेज है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। अच्छा एक चीज़ और भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अलग अलग एग्रीकल्चरल कॉलेज के लिए हमें अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या? तो नीट में तो हमें एक सिंगल फॉर्म फिल करना है, लेकिन यहाँ पर जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसके लिए आपको आईसीआर के बाद अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी के बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मिलेंगी। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, नागालैंड की यूनिवर्सिटी है और वेस्ट बंगाल की है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो आईसीआर के वाया ही आपको मिलेंगे। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आईसीआर के वाया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन एक हमारे पास और है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करता हूँ हमेशा सीजी के बारे में, सीजी में रायपुर में है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो यहाँ के लिए आपको स्टेट के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टेट में मार्च से अप्रैल के बीच ही फॉर्म आता है, तो इसी बीच में आपको फॉर्म फिल करके इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अलग अलग जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो उस स्टेट के एग्रीकल्चरल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। नॉर्मली BSc एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें, जैसे BSc AG कह रहे हैं, ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। नॉर्मल जो BSc BCom या BAM करते हैं वो 3 ईयर का प्रोग्राम रहता है, यहाँ इन्होंने 4 ईयर का इसलिए रखा हुआ है क्योंकि BSc एग्रीकल्चर में पहले तो आपको 3 ईयर जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसमें हमें डिफरेंट स्ट्रीम्स जैसे एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक्स, सॉयल साइंस, एंटमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और भी सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ने रहते हैं, और यहाँ पे ये कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 1 ईयर का करवाते हैं, तो आपकी एजुकेशन भी होगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में आपको किस तरह से वर्क करना है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सुपरफिशियली डिस्कस करी कि अगर नीट के एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहा तो वेटनरी भी मैंने कहा एक अच्छा ऑप्शन है, दूसरा अच्छा ऑप्शन आपके पास एग्रीकल्चर है क्योंकि एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत वास्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MBBS हो, BDS हो, BAMS हो या एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस फील्ड में जाकर के आप सक्सेस होते हो। अगर आप उस फील्ड में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, उसे अपने अंदर चीज़ों को समझ रहे हो, तो आप सक्सेस आपको मिलेगी। सुपरफिशली अगर करोगे तो हर एक में वही प्रॉब्लम है, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, तो आपको सब्जेक्ट में सक्सेस मिलेगी। किसी भी सब्जेक्ट को लेने से सक्सेस नहीं मिलती है, ये आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका इंटरेस्ट है कि आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हर एक के साथ ये वैलिड है, एग्रीकल्चर के साथ भी वही है, एवरग्रीन टॉपिक रहा है हमेशा MBBS की तरह, एग्रीकल्चर भी। तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप MSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, PhD परस्यू कर सकते हो, आजकल MBA चल रहा है, ABM जिसे हम कहते हैं उसमें आप जा सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस एग्रीकल्चर में भी हमारे लिए ओपन है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह जॉब अवेलेबल है हमारे लिए एग्रीकल्चर में, तो मेरे हिसाब से जॉब की तो प्रॉब्लम नहीं आती है, और एडमिशन भी एग्रीकल्चर में उतना टफ नहीं है जितना नीट में है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, इवन हर स्टेट में लगभग कुछ ऐसे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो भी आप पता कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना हो तो। तो एग्रीकल्चर एक अच्छा ऑप्शन लगता है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ BSc एग्रीकल्चर के बारे में स्पेशली डिस्कस करी है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये भी आजकल अच्छे टॉपिक माने जा रहे हैं, इनमें भी करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो आपका किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नीट के बाद जो सेकंड मोस्ट मुझे हॉट टॉपिक या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है वो एग्रीकल्चर का, तो ये आप देख सकते हो, इसके फॉर्म क्योंकि जल्दी रिलीज होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।